नंबर फोर, ठीक है, इग्निशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, तीन तीन सिलेंडर इंजन का ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कॉइल है, ये कॉइल से जो पावर इसमें आता है इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग टाइम पे जाता है, अलग अलग टाइम पे जाता है, जिसमें कि ये रूटर लगा हुआ है, रूटर जब इंजन स्टार्ट होता है तो रूटर राउंड करता है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट में स्पार्क होता है, स्पार्क होके स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही स्पार्क प्लग हमारे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सिलेंडर में जाता है, तब हमारा फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। अब हम इसको आपको लगा के चला के दिखा रहे हैं, ठीक है, लगाइए। इसमें दो वायर दिए हुए हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हाँ चलिए, इसमें दो वायर दिए हुए हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव का आपका लगा दिया, इसके बाद इसमें पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर का हम कैप हटा के और इसको मूव करके देख सकते हैं कि पॉइंट हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर का कैप को बंद कर दिया, बंद करने के बाद अब हम इसको यहाँ से एक इसमें स्विच लगा हुआ है इग्निशन ऑन ऑफ के लिए, इसको हमने उठा दिया, ये ऑन हो गया, ठीक है, इसके बाद इसको हम मूव करते हैं, तो मूव करने में देखिए करंट दर्शा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, स्पार्क आ रहा है ना, स्पार्किंग आ रही है, आवाज वीडियो नहीं दिखेगा, आवाज भी कर रहा है, ठीक है, करंट आपका सब में जो स्पार्कों में आ रहा है, पहले एक स्पार्क प्लग में, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे सीक्वेंस वाइज चलता रहता है, फायरिंग ऑर्डर के अनुसार ये चलता रहता है, तीन सिलेंडर का, एक तीन दो,